नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको सेफ्टी के हमारी अपनी और हमारी मशीन की, जो हम जहाँ काम करेंगे, जिस पर ऑपरेट करेंगे, मशीन की सेफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और उससे भी ज़्यादा सेफ्टी है आपकी, यानी कि आप जो मशीन चलाओगे आपकी सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि लेथ मशीन चलाने, क्योंकि मेरा रीच यही है, इसी वजह से मैं लेथ के विषय में बताऊंगा कि लेथ मशीन के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहला आपको ग्लव्स, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्लव्स हैं, तो हाथों में ग्लव्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब काम करोगे तो चिप्स वगैरह उड़ती हैं तो वो आपके हाथों पर आएंगे, तो हाथ जले ना, हाथों का सेफ्टी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड, शूज़, सेफ्टी शूज़। आप देखिए यहाँ सेफ्टी शूज़ है। सेफ्टी शूज़ जो है वो आपके पैरों को रक्षा करता है, काफ़ी सेफ रखता है। अगर कोई पीस आपके पैरों पे गिरे तो कुछ ना हो, या चिप्स ही उड़ के उस पैरों पे जाए तो जले ना, तो सेफ्टी शूज़ काफ़ी मामले में अच्छा होता है। तीसरा यानी कि थर्ड नंबर आता है चश्मा। जो हम चश्मा लगाएंगे, आप देखिए यहाँ पे चश्मा आपको दिख रहा होगा साइड में, हाँ, ऐसा एक सेफ्टी चश्मा आता है, ग्लास वाला, अच्छा वाला लीजिए आप, और उसको आंखों पे लगा के उसके बाद मशीन पे ऑपरेट करिए, क्योंकि चिप्स जो उड़ता है वो आंखों में चला जाए। कितने लोग चिप्स बोलते हैं, कितने स्क्रेप बोलते हैं, बुरादा बोलते हैं, बहुत तरीके की बात है, वो आपके आंखों में चले जाएगा तो काफ़ी लॉस है। इस बात को आपको बिल्कुल ही ध्यान देना होगा कि उसमें आंखों को बिल्कुल ही नुकसान हो सकता है, हो सकता है आपको दिखना बंद हो जाए, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वक्त सर्दी चल रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सर्दी है, और सर्दी के मौसम में जो मफलर बांध के लोग काम करते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही रॉन्ग, बिल्कुल ही रॉन्ग, गलत है ये। और लूज़ कपड़ा, बिल्कुल लूज़ कपड़ा ना, फिट कपड़ा पहने, और मफलर के जगह आप वो कैप पहने, कानों के ढकें, ठीक है, काम करिए, काम करना ज़रूरी है, पर मफलर नहीं, क्योंकि वो चक्के में आ सकता है, कहीं भी फंस सकता है, और बहुत ही ज़बरदस्त दुर्घटना हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखिए। अब आते हैं, ये तो आपकी हुई, अब आते हैं आपकी मशीन की सेफ्टी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। अगर आपका मशीन का फिटनेस सही है तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब आता है नंबर हमारा मशीन का, ठीक है। तो मशीन में आप इम्पोर्टेंट ये रखिएगा, जो कि आप मशीन में दोनों स्लाइड हाथ से, एक लेफ्ट हैंड से, एक राइट हैंड से चलाते हैं, उसको भी देखिए बिल्कुल सही, उसका फिटनेस होना चाहिए। सबसे ज़रूरी मशीन का डेली सफाई और डेली ऑयलिंग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सा फ़ायदा मिलेगा इससे, कि अगर कोई चीज़ लूज़ है या कुछ ख़राब है तो आपको पता भी चलता रहेगा। और डेली ऑयलिंग करिएगा तो मशीन का फिटनेस काफ़ी अच्छा रहता है, हमारे लेथ मशीन का, या आप एवरीबॉडी जो भी देख रहा होगा अपने हिसाब से, जहाँ भी मशीन काम, तो पहले मशीन की सफाई सबसे ज़रूरी है। 10 मिनट आप या 15 मिनट आप अपने मशीन पे साफ करोगे, काम करोगे, तो पूरे दिन भर आपको स्मूथनेस फील होगा कि हाँ, मेरी मशीन अच्छी चल रही है, आपका भी मन खुश रहेगा, और मशीन साफ़ होने से जहाँ पर आप काम करोगे आपका ऑनर भी काफ़ी खुश रहेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मान के चलिए गियर का नट वगैरह लूज़ हो जाता है, या जब हम डबल में चलाते हैं तो भी गियर फंसती है, स्पिंडल में ऑयल वगैरह डालें, मशीनों के ऑयलिंग करें, प्लस आपका जो टूल पोस्ट वगैरह है सब, मतलब जो कुछ भी आपको लगे कि हाँ ऐसा कुछ गड़बड़ है तो आप उसको सही करिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्थ होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जब हम कटिंग करते हैं तो ड्रिल वगैरह लगाते हैं, तो हम पानी का यूज़ करते हैं कूलेंट के लिए, तो पानी में आए हम जैसे कि कटिंग ऑयल मिलाते हैं, तो क्या है वो, और क्यों हमारा मशीन का बैड या कुछ भी किसी के ऊपर रस्ट ना पकड़े, यानी कि जंग ना लगे, जंग हमारी मशीनों को खा ना जाए, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ, आइए देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप देखिए मैं यहाँ पे एक ग्लास में पानी लिया हुआ हूँ, ये डिस्पोजल प्लास्टिक का ग्लास है, मैंने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है। तो ये वाटर अगर हम अपने मशीन के ऊपर, जब हम अपने मशीन के ऊपर डालते हैं तो वो क्या करती है, जंग लगता है, यानी कि रस्ट पकड़ लेता है और उसको धीरे धीरे ख़राब करती है। तो इससे सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग ऑयल का यूज़ किया है, ये मेरे पास जी डॉल कटिंग ऑयल करके ऐसे कुछ है, तो मैं कोई स्पॉन्सर नहीं लिया हूँ और ना ही कोई आपको इंस्पॉन्स कर रहा हूँ, मैं यूज़ करता हूँ पर्सनल, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए मैंने इसमें से थोड़ा सा ढक्कन एक निकाल लिया है, ढक्कन में थोड़ा सा कटिंग ऑयल डाला हूँ, और अब आप देखिएगा ये जो पानी है ना, अब इसको जब हम अंदर डालेंगे तो इसकी बिल्कुल ही क्वालिटी को ये चेंज कर देगा, देखिए।
ये देखिए बिल्कुल आपको मालूम पड़ेगा कि ये दूध हो रहा है। देखिए मैंने इसमें डाल दिया ना, और इसमें डाल के इसको किसी चीज़ से अच्छे तरीके से, हमारे पास एलनकी है तो मैंने उससे ही यूज़ कर लिया, इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद देखिए बिल्कुल ही आपको लगेगा कि दूध है, ठीक है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा है ना बिल्कुल दूध है, पर कभी ऐसा गलती आप नहीं करिएगा, ये दूध है। और ये देखिए जब हम इसको मशीनों पे ऐसे लगाएंगे ना, मशीन पे जब हमारा ये गिरेगा तो ये जंग नहीं पकड़ने देगा, ये रस्ट पकड़ने नहीं देगा, ये आप ध्यान रखिए। तो ये आपका एक सेफ्टी में भी आ जाता है। तो इस चीज़ का जैसे कि बहुत लोगों को पता भी होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप, ये कोई दूध नहीं है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। इस चीज़ को केवल मशीनों पे इंडस्ट्री एरिया में यूज़ किया जाता है ताकि हमारे मशीनों का सेफ्टी बना रहे, हमारा मशीन ख़राब ना हो या हमारे स्क्रैप में जो गिरे वो ख़राब ना हो। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सेफ्टियां हैं जो कि आपके और आपके मशीन की हेल्थ को काफ़ी अच्छी रख सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा इस चीज़ का सेफ्टी का ख्याल रखिए। एक छोटा सा वीडियो था मशीन सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और एक बात और बता दूं आपको कि अगला नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है लेथ मशीन के ऊपर, की कैसे निकालते हैं, वो बहुत जल्द ही आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।